मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सलोनी श्रीवास्तव और आप लोग हैं रिपब्लिक के पॉडकास्ट पर, जहां पर हम आपको हर बार कुछ नई शख्सियतों से मिलवाते हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक जगत से हो या फिर फिल्म जगत से। तो आज सलोनी किससे मिलवा रही हैं आप? आज दो ऐसे चेहरे हमारे बीच पहुंचे हिमानी जिनको हम OTT पर देखते हैं और अगर उनका चेहरा आ जाता है किसी सीरीज पर तो हमें लगता है इस पे रुकना है, ये देखनी पड़ेगी सीरीज। तो इस तरह के चेहरे आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ जयदीप अहलावत जी हैं, हमारे साथ श्रेया पिलगांवकर जी हैं। आप दोनों अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मैं खुद भी बताऊं, हिमानी और मैं भी बात कर रहे थे कि जहां आप दोनों की फोटो आती है किसी सीरीज पे तो हमको लगता है कि यार हिट है, देखनी पड़ेगी, हिट है, सीरियस सीरियस। दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, सो थैंक यू। आर्टिस्ट के लिए ये सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है ये सुनना, तो अच्छा लग रहा है। अवार्ड से ज्यादा ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स अच्छी लग रही। तो अब आप लोग ये न्यू सीरीज जो मतलब सीरीज जो हम लेकर आए हैं ब्रोकन न्यूज की, जो कि ब्रिटिश शो प्रेस का इंडियन अडैप्टेशन है, इस बार क्या नया लेकर आए आप इसमें? एक्चुअली ये सीजन 2 है जैसे कि आप जानते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली जो ओरिजिनल BBC का जो शो है प्रेस, वो प्रिंट मीडिया के ऊपर था, तो हमने अडेप्ट करके रेलिवेंट रखने के लिए हमारे एंटरटेनिंग यू नो वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग उसमें रखा। एंड ओरिजिनल जो था BBC का, उसके सेकेंड सीजन नहीं बनी थी, पर हमारे शो की बनी, तो दैट ऑल्सो वॉज अ बिग विक्ट्री फॉर अस। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोगों ने न्यूज़ वर्ल्ड के अलग अलग पहलू दिखाए हैं, एंड एक जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज़ हैं जोश 24/7 और आवाज़ भारती की, और हमारी मेरी न्यूज़ एडिटर इन चीफ सोनाली हु प्लेज अमीना, वो तो अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब आप ये शो देखेंगे आप खुद को आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं कौन हूँ। यू नो अ लॉट ऑफ दी एस्पेक्ट्स आर इन एवरीबडी, और रेलिवेंट थीम्स हैं फ्रॉम फेक न्यूज़ एंड पर्सनल लाइफ जर्नलिस्ट न्यूज़ रिपोर्टर्स की, बिकॉज बहुत बार जो प्रोफेशनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ में स्पिल हो जाती है। बहुत थ्रिलिंग भी है एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं जयदीप और सोनाली जैसे एक्टर्स के साथ काम कर पाई, और सीजन 1 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, स्पेशली फ्रॉम द फ्रटर्निटी। यू नो जो प्रेस के लोग हैं वो आए और उन्होंने कहा कि हमें लगा आप शायद हमें बैश करेंगे, पर ऐसा नहीं है, बहुत बैलेंस्ड वे में दिखाया गया है। जयदीप जी, आप बहुत डिबेट करते रहते हैं, पहले सीजन में मैंने देखा, इस सीजन में भी आप उसी अंदाज में लग रहे हैं, असली जयदीप ऐसा है क्या? नहीं, ऑपोजिट। नहीं नहीं, मैं असली जिंदगी में वैसा नहीं हूँ। किसी ठीक से मुद्दे पर बात हो रही है, डिबेट नहीं, बट हाँ आप विचार एक दूसरे को अपने बता देते हैं, बट दीपांका सान्याल तो आसपास भी नहीं। बहुत लाउड है दीपांका सान्याल? नहीं, बहुत लाउड नहीं है, बट है, वो लाउड है, वो इज वेरी पावर ड्रिवन पर्सन, जो जिसको एक छत्र राज चाहिए मीडिया के क्षेत्र में, और उसके रीजन है उसके पास। ही ऑल्सो स्टार्टेड अप विद ऑल दो journalistic ideologies and everything, but something happened and he chose a different path to crack that. Now he's the Pakistani. Jaideep ji, इससे इतर थोड़ा सा अगर मैं पूछूं, क्योंकि एक्टर तो आप नहीं बनना चाहते थे जी, वो एक्टर से लेकर मतलब वो आर्मी ऑफिसर वाला जो ख्वाब है वो आपको एक्टर तक कैसे ले गया, थोड़ा सा उस सफर पर भी हम जाना चाहेंगे। मुझे लगा था ये होना ही था, ऐसा हाँ, मतलब वो होता है ना कि आपकी किस्मत आपको ले जाती है। मुझे अपने ग्रेजुएशन तक इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी, और क्योंकि बहुत सारे आसपास के दोस्त हैं, वो होता है ना कि आप जिस माहौल में बड़े हो रहे होते हो वहाँ आपके जो सीनियर्स होते हैं आप उनसे इंस्पायर होते हैं, और रोहतक में उस वक्त 11वीं क्लास जब हम पढ़ रहे थे, हर साल कुछ ना कुछ ऑफिसर्स NDA हुए या CDS में हमेशा सेलेक्ट होते रहे थे, तो दैट वाज स्टार्ट ऑफ इट एंड इट वेंट ऑन। ऐसा नहीं था कि स्टेज पर नहीं चढ़ते थे, बट आफ्टर ग्रेजुएशन जब सीरियस नहीं हो पाया, SSB क्लियर नहीं हुई, देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, बिकॉज ऑफ थिएटर एंड रंगमंच, ऑल द फ्रस्ट्रेशन ऑफ फेलियर एंड एंगर ऑफ फेलियर, डिप्रेशन में भी चले गए थे उसमें। हाँ, मतलब 20-21 साल का लड़का, उसको जब जो सोचा वो नहीं पा पाए तो हाँ, डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, बट क्योंकि हरियाणा में डिप्रेशन नहीं होता मुझे लगता है। रोहतक में डिप्रेशन तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। बट आई वॉज वो एक बहुत ही एक यंग बच्चे में जो फीलिंग होती है ना, दैट यार मैं इतना भी नहीं कर सकता, तो मैं आई एम नॉट वर्थ टू एनी थिंग, वो थोड़ी सी घर कर गई, तो उस चक्कर में काफ़ी अकेलापन और वो सब नहीं पसंद था किसी से बात करना, और बड़ी चिढ़ होने लगती थी कभी कोई सुनते थे ना कि एक और सिलेक्ट हो गया, कि यार यार मुझे नहीं सुनना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि सर आपने एक्टिंग का सोचा,
छोटे शहरों में आप रोहतक से हैं, मैं जौनपुर से हूँ, आपको बताऊँ जब मैंने कहा कि मैं एंकर बनूंगी क्या आप ये बताइए जब आपने कहा आप एक्टिंग करेंगे आपके फादर का रिएक्शन आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था उस पर? एक्चुअली मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लकी रहा इस मामले में क्योंकि मैं जब मैंने ही सोचा कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है पूना फिल्म इंस्टीट्यूट और मैं तब तक पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था अपनी और सबको ये लगता है कि अब तो कोई ना कोई काम करोगे ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्वाइन करोगे और थैंकफुली मेरे घर में उस वक्त सब जॉब पे थे। अच्छा। मेरा छोटा भाई उनकी वाइफ बाबा बहन की शादी हो चुकी थी हाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पर पापा की खास बात ये है वो आज भी सवाल जरूर कर लेंगे कि ऐसा क्यों करना है बट उनको जब लगता है ना कि ये करना चाहता है बच्चा तो वो कभी मना नहीं करते। वो उनका भी जब मैंने पहली बार बोला कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो वैसे क्या होगा वहाँ मैंने कहा एक्टिंग की ट्रेनिंग करनी 30 सेकंड के पॉज में चले गए ठीक है कर लो वो बड़ा स्पेशल होता है बहुत वो 30 सेकंड बहुत हैवी होते हैं ठीक है कर लो। अब एक और उसमें इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जब मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तो गाँव में भाई बड़ा लड़का क्या कर रहा है मैं बड़ा हूँ भाई छोटा है तो पापा ने बोले कि यार मुझे उनको अगर मैं उनको बोलूँ कि एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ तो 10 सवाल और पूछे हाँ। तो उन्होंने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा हूँ तो अगले सवाल मुझे याद आया इससे एक किस्सा मुझे याद आया क्योंकि जब आपका एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है जब आप बिल्कुल इनिशियल उस पर तो हमारे भी कुछ होते हैं सराउंडिंग की मतलब कुछ इस तरह से उनको पता नहीं हो भले ही इस बारे में लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने घर की अपनी खुशी से आप खुश होना हो लेकिन दूसरे के दुख से आप जरूर खुश होते हैं तो कुछ इसी तरह से था कि हमारे कुछ रिश्तेदार जिनमें उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी बेटी क्या करती है वही इसीलिए आपकी बात से याद आया तो उन्होंने तो वो दूसरे जो साथ में बैठे हुए थे उन्होंने तपाक से बोला कि टीवी पे कुछ करती हैं मतलब टीवी पर कुछ करती हैं तो इसीलिए चूंकि आप इसमें वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो जो जर्नलिस्ट की एक लाइफ है वो जो एक स्ट्रगल है वो जो एक चैलेंजेस है वो आपने भी फील किया होगा। बिल्कुल आई थिंक एक्टर बनने का सबसे बड़ा प्रिविलेज है कि हम एक ही लाइफ टाइम में बहुत अलग अलग जिंदगियाँ एक्सपीरियंस करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके पहले भी फॉर एग्जाम्पल मैंने जो गिल्टी माइंड सीरीज की थी इन द वर्ल्ड ऑफ लीगल ड्रामा वहाँ पे भी मुझे लॉयर बनने का एक्सपीरियंस मिला और यहाँ पे इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग द थिंग इज़ ना बाहर से किसी को जज करना उनके लाइफ के बारे में अजम्पशंस बनाना बहुत आसान है बट हमें एक ह्यूमन साइड दिखाई दी। बहुत बार जो प्रेशर्स होते हैं जो चैलेंजेस होते हैं राधा भार्गव बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई फील कि आप सब भी उसे रिलेट कर पाओगे बिकॉज वो एट द कस्प ऑफ एक ऐसी सिचुएशन पे है कि वो समझना चाहती है कि मैं कौन हूँ मैं क्या बनना चाहती हूँ आइडियल्स हैं मॉरल्स हैं बट मैं देख रही हूँ कि एक गलत स्ट्रैटेजी से कोई और आगे बढ़ रहा है तो क्या मैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर मुझे जो सच कहना क्या मैं वो कर सकती हूँ और उसकी बॉस का कुछ और कहना है तो जब आस पास आपको बहुत आवाजें और वॉइस हैं वॉट इज योर ट्रू वॉइस उसकी क्या ऑथेंटिक वॉइस है एंड आई एम श्योर इन ऑल आर फील्ड्स ऐसे मोड आए होंगे हमारे लाइफ में भी जहाँ पे यू नो वी हैड टू डिस्कवर दिस। मुझे बहुत मजा आया स्पेशली बिकॉज सीजन 1 के एंड में राधा को जेल भेजा जाता है उन्हें देशद्रोही कहा गया तो अभी जो वो बाहर आई है वो पहले वाली राधा नहीं है अभी उसे इसे कन्फ्रंट करना है तो थोड़ा सा वो कहती है ना कि हाथ गंदे करने पड़ेंगे अभी मुझे मतलब वो तैयार है अभी वो तैयार है बट वो खुद को हैंडल नहीं कर पा रही है पूरी तरह से और जैसे हम एपिसोड्स अब देखेंगे यू विल बी एबल टू सी कि उसका किस तरह से एक रिबेलियस नेचर में वो जाती है पर फिर भी एट द एंड ऑफ इट आई थिंक उसके खुद के सेल्फ रियलाइजेशन हैं। मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज इन रियल लाइफ मैं वैसी अग्रेसिव उतनी नहीं हूँ तो जब वो फॉर एग्जाम्पल वो बोलती है ना अच्छा रियल लाइफ में कैसी है श्रेया जी क्योंकि आपने तो 5 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू कर दी थी वो शायद घर पर फेक न्यूज़ ये फेक न्यूज़ आप भाषाएं भी काफी सारी जानती हैं ये भी फेक है क्या नहीं नहीं आई मीन मैंने स्कूल में सीखा था बट मैं बचपन में फॉर एग्जाम्पल मैंने तू मैं मेरे पापा के सीरीज में एक मतलब वो नेबर पड़ोसी का बच्चा वो वैसे वाले पार्ट्स किए हैं मैं चाइल्ड एक्टर बिल्कुल नहीं थी पापा ऑफ कोर्स रह चुके हैं मोर देन लाइक 70 फिल्म्स एज अ चाइल्ड एक्टर पर आई वॉज नॉट तो ये गलत सनसनी ये है बिल्कुल या सनसनी नहीं मुझे बहुत बचपन में आई हैव वेरीड इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में मैं कंपैरेटिव स्विमर थी और परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट ज़रूर था गाना डांस करना कहते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन से वो परफॉर्मर्स इंस्टिंक्ट हमेशा थी बट जेन्युइनली
ऐसा बिल्कुल मन में भी डिसाइडेड नहीं था कि एक्टिंग करना है. करना होता तो बहुत पहले शुरू किया होता. इट वॉज ओके, लेकिन दुरुस्त. यस, थैंक यू. इट वॉज एक्चुअली जब मैंने कथक डांसिंग का ट्रेनिंग शुरू किया. अभिनय बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है कथक का. तो एट दैट पॉइंट कहीं ना कहीं वो एक्टर उभर के आ रहा था, इंस्टिंक्ट. एंड इवेंचुअली इट वॉज ऑल्सो थिएटर. दैट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो मुझे ये एक बात अच्छी लगती है कि यू नो मैं एक एंटाइटल्ड स्पेस से कभी नहीं आई. मैंने वो एक्चुअली डिस्कवर किया कि मैं क्या करना चाहती हूँ. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस दे हैव, उनका अप्रोच यही था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. वो मुझे कभी वैसा नहीं बोलते. उनके खुद के बर्ताव, ग्रेस, एक्सपीरियंस से मैं सीखती हूँ. उन्हें बोलना नहीं पड़ता है, मैं देखती हूँ वो किस तरह के इंसान हैं और उन्होंने क्या क्या किया है. अच्छा, अभी मेरी सहयोगी सलोनी ने कहा कि OTT के आप किस तरीके से स्टार, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा देखती है, मैं थोड़ा कम देखती हूँ, लेकिन मैंने देखा है और दोनों को ये, और वो आपकी पाताल लोक के, तो खैर मैं तो ज़बरदस्त फैन हूँ उसकी. और ये भी समझना आपसे चाह रही हूँ कि OTT ने किस तरह से बदला है एक्टर्स की लाइफ को, क्योंकि आप देखिए कि कोविड के बाद से इसमें ज़्यादा झुकाव देखा. चीज़ और मैं जोड़ूंगी मानी, कमर्शियल सिनेमा पहले आउट ऑफ द बूम, मतलब हर समय कमर्शियल सिनेमा. आप लोगों ने ट्रेंड चेंज कर दिया यार. मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो एक कंटेंट का जो अब आया है ना, वैरायटी, बिल्कुल वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी इसमें. हाँ, मतलब हम उसका हिस्सा जरूर बन गए, पर हमने क्रिएट नहीं किया. नहीं, आप तो उसका हाँ, फ्लैग बेयरर से हाँ, वो मान सकते हैं, क्योंकि आप जो काम करते हैं वही लोग देखते हैं. थैंक यू. बट वो वही है कि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो एक तो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है. आप सैकड़ों ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ आप अपना काम लोगों तक पहुँचा सकते हैं. तो वो वर्ल्ड वाइड एक सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली, राइटर्स को मिली, डायरेक्टर्स को मिली, प्रोड्यूसर्स को मिली, और वो एक्टर्स तक पहुँचे. हिडन टैलेंट जो है वो कहीं, हाँ, क्योंकि स्पेस मिल गया. दो घंटे की कहानी में आप कितने किरदारों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे की कहानी में आप हज़ारों किरदार डाल सकते. सबके सब प्लॉट, सबकी पैरेलल कहानियाँ चल सकती है. तो वो बिकॉज ऑफ द मीडियम आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा हो गया. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि OTT पे हम कॉन्टेंट इज किंग क्यों कहते हैं, इज बिकॉज कहानी एक्टर्स से बढ़ के है. और कोई एक दो किरदार इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे इम्पॉर्टेंट है. इसलिए जब आप कुछ देखते हैं, इवन इफ यू लाइक दैट वन सीन, मे बी आप उन्हें DM करें आपका काम अच्छा लगा. सो ओनली बिकॉज द लग्जरी ऑफ टाइम है उतना स्कोप मिलता है. और आपने जो कमर्शियल की बात की, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मेरी पहली हिंदी फिल्म फैन थी विथ द अमेजिंग शाहरुख खान. उसका एक मिक्स्ड फीडबैक था. बट मिर्ज़ापुर का सक्सेस वो इज़ लाइक अ कमर्शियल फिल्म सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस. तो बहुत बार ये जो कमर्शियल टर्म भी है, इट्स बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी. ताज़ा खबर नाम की एक सीरीज मैं करती हूँ भुवन बाम के साथ, उसका भी रीच फॉर मी वॉज लाइक अ कमर्शियल. एक्सेप्टेंस आ गया है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस आ गया, पहले नहीं था. बिल्कुल. अच्छा, मेरा अभी तो आप लोग ब्रोकन न्यूज देने वाले हैं कुछ दिन. मुझे ये बताइए, एक बड़ी चर्चा रहती है, हम लोग भी कहते हैं ये जो एयरपोर्ट लुक है, ये क्रिकेट किया जाता है जानबूझ के पहले से बुला लेते हैं पेपराजी को, क्या मैं तैयार होता हूँ, या पेपराजी बैठे रहते हैं कि भैया आज क्या. ये आपको नहीं पता है? नहीं, हम जानना चाहते हैं आपके जरिए. आप लोग ज्यादा अंदर की बात बताएंगे. नहीं, ये तो खुले आम है, कितनी बार पता चला है, सबको पता है. ये आप छुपा हुआ सच नहीं है? किसी और ने बुला रखा और हम पहुंच गए तो अरे उनको लगा चलो इनको भी चाप देते. क्योंकि जयदीप जी जो हैं वो थोड़ा सीरियस एकदम, यू नो, ऐसे लगते हैं. क्या सेट पे भी इसी तरह से रहते हैं? कॉन्शियस होते हैं क्या? एक्चुअली फर्स्टली टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, वो कॉम्बिनेशन होता है. बहुत बार ऑफकोर्स सब एक्टर्स बुलाते हैं हमें भी, जब हम कोई प्रमोशन करते हैं हमें पता होता है कि आने वाले, बट ऐसा भी है कि बहुत बार पता नहीं होता. हैट्स ऑफ टू द पीपल जो हर रोज़ करते हैं, बिकॉज बहुत मेहनत का काम होगा हर रोज़ पैप होना. क्या होता है पहला रिएक्शन? टू बी ऑनेस्ट, मेरा, मैं इतना नहीं करती, सो फॉर मी इट डजंट बॉदर मी. बट हमारे जो पैप्स हैं वो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिस्पेक्टफुल हैं. अगर हम कहें कि प्लीज़ मत कीजिए अभी, नहीं, वो बातें भी करते हैं. कुछ हैं जो क्रॉसिंग द लाइन ह्यूमर उनका होता है,
बट आई वुड से मैं आ रही थी उसी तरह. हाँ जी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना अगर रिक्वेस्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो आलिया रणबीर ने भी किया था, यू नो अपने बेटे का फोटो मत लो, सो अभी वो फेमिलियरिटी हो गई है, यू नो हम कैजुअली बात करते हैं. एक चीज़ और जोड़ूंगी मैं, एक ये भी होता है जैसे ही कोई मूवी आने वाली होती है ऐसी बात उठने लगती है कि वो एक्टर ना उनके साथ डिनर पे गया, अलग होती है. सो इससे बॉदर होते हैं क्या, मतलब लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं यार. See, हमारे साथ ऐसे एक्चुअली हुआ नहीं है तो हमें पता नहीं, हमारे साथ ऐसे हुआ नहीं है. बट एज अ व्यूअर, एज अ कंज्यूमर, मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं इमीडिएटली नहीं मानती, स्पेशली बिकॉज मैं जानती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कभी कभी क्या सच है और क्या नहीं ये जानना मुश्किल है. और लेकिन जयदीप जी का सच जानना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि वो जितने मैं आपको बताती हूँ तो इन्होंने ना एक वो पर्सोना क्रिएट किया है, क्योंकि वो सबसे बात उन्हें ना ज्यादा बातें करना उतना पसंद नहीं है, पर वो गेज करते हैं. अगर आपका कॉन्फिडेंस हो, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस हो वो बात करेंगे. यू हैव टू ब्रेक थ्रू दैट वॉल. बाद में जाके उतने क्या पका रही थी, थोड़ा वक्त लगता है, वो दिख रहा है. सेट के पहले तो मैंने उन्हें ऑप्शन ही नहीं दिया, हाय जयदीप, मैं तो गई. बट ऐसा नहीं है, ही इज एक्सट्रीमली ओपन और उनको बातें करना पसंद है. बट कहाँ, किस स्पेस में, आपकी क्या एनर्जी है वो भी इम्पोर्टेंट है. सही है नहीं जयदीप? तो अभी एनर्जी ठीक लग रही है आपको? नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया लग रही है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल. और श्रेया जी कैसी है? I like people. मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे उन लोगों से क्या मतलब, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते. नहीं, not like that. लोगों से बातें करना, लोगों से बातें करना. I'm curious about people, but at the same time मेरे भी boundaries हैं जो शायद सामने वाला इंसान उसे पता नहीं चलेगा, but मेरे भी बहुत clear cut boundaries हैं. So मैं खुद को extrovert और introvert नहीं कहूँगी, ambivert कहूँगी, जो दोनों हैं. बिकॉज एज एक्टर्स हमारी एनर्जी बाहर इतनी होती है कि कट के बाद समटाइम्स ना आपको वो संभालना है. इसीलिए प्रमोशन के लिए जब वो जा रहे हैं तो वो सबसे पहले अगर सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो वो कहते हैं श्रेया एक्चुअली इन्हें प्रमोशन पसंद नहीं है, मैं इनकी स्पोक्स पर्सन हूँ, इन्हें प्रमोशन पसंद नहीं है. लेकिन आज के मतलब जब हर चीज़ आप ये सोचिए कि मुझे तो लगता है कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमेशा लाइव रहते हैं. आप उनको देख लीजिए, कभी भी वीडियो बन रहा है, कुछ बन रहा है. तो आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आप कैसे, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा देखते हैं अपना थोड़ा बहुत काम के टाइम पे, जब जैसे आज कुछ डाल दिया, अदरवाइज जब नॉर्मल लाइफ किया कि कुछ काम रिलीज नहीं हो रहा है तब हो सकता है महीना कुछ ना डाले. डिटॉक्स पे रहते, सुना है बहुत अच्छा टाइम पास होता है लोगों का, देख लेते हो काम कोई आ रहा है, सुना है उसमें बहुत अच्छा टाइम पास होता है. सुना है पर मैं करता नहीं. कर लेते हम भी कभी 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 हो जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम अछूता है वो. आज कुछ किसी ने जैसे किसी इसका कोई काम आ रहा है तो इसने कुछ डाल दिया तो उस बहाने की चार चीजें और दिख गई, वो सब हो जाता है. बट वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं, वो थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि क्या कर रहा हूँ, देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं या सो जाते हैं और कुछ नहीं. ये सबसे बड़ा काम है. लेकिन ब्रोकन न्यूज के लिए क्या आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च हो, या पहले तो मैं शूट का जानना चाहती हूँ, एक ही जगह पर ख़त्म कर दिया आप लोगों ने या अलग अलग लोकेशन और अलग अलग रहा मतलब आप लोगों का? तो हमारा ऑफिस अलग है, जोश 24/7 इनका अलग था, और लकीली हमारा जो आवाज़ भारती का ऑफिस था जहाँ पे सोनाली में और हमारी टीम थी, इट वॉज एन एग्जिस्टिंग न्यूज रूम. उनके लिए भी एक तरफ से ये कम बैक टाइप है. बिल्कुल है ना. इतने टाइम बाद एक लंबे टाइम लेकिन वो लगती वैसी है. बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, हम मिस कर रहे हैं उन्हें आज. तो वो जो हमारा ऑफिस था उसको वो सेट की भी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वो एक पुराना किसी का ऑफिस था जो बंद हो चुका था. तो बहुत ऑथेंटिक ऑलरेडी, एंड यू नो आधा काम तब होता है जब वो फील आ जाती है. हमारी स्क्रिप्ट में ही इतने सारे डिटेल्स थे दैट टू बी ऑनेस्ट एट दैट टाइम जब कोविड पोस्ट कोविड थोड़ा यू नो टाइम चल रहा था तो हम खुल के हर जगह नहीं जा पाए. बट मेरे कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें की, और हमारे राइटर डायरेक्टर उन खुद की उनकी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड यू नो समटाइम्स जब आप किसी भी प्रोफेशन को दिखाते हैं, मोर देन द प्रोफेशन द पर्सन बिहाइंड द प्रोफेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. वो साइकी, आप अपना जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट दिन के बाद आप कौन हो बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन. वो होमवर्क और वो इंस्टिंक्ट्स डेवलप करना, दैट इज द रियल जॉब ऑफ द एक्टर. अच्छा वैसे हम जयदीप जी को हमेशा ही वो एकदम वो जट हरियाणा वो एकदम है ना, तो लेकिन यहाँ आपको कुछ मतलब कैसे स्विच कैसे कर लेते हैं पता नहीं.
मुझे लगता है इतने लोगों की मेहनत होती है और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, जो पेपर पे लिखा हुआ है, जो कहना चाह रहा है राइटर या डायरेक्टर जिस हिसाब से कहानी कहना चाह रहे हैं, आप उसमें अपना बिलीफ क्रिएट करते हो, बाकी हो जाते हैं। अच्छा, आप क्योंकि कह रहे हैं हो जाता है, आपने बड़े इंटेंस रोल्स किए हैं पाताल लोक में या और भी सीरीज आपके जो रही हैं, बहुत इंटेंस रोल है, जब आप उसमें एकदम डाइव इन करते हैं तो वापस आना क्या मुश्किल होता है, थोड़ा सा जो स्विच ओवर है वो मुश्किल होता है? नहीं नहीं, खास नहीं, कभी कभी किसी किसी रोल में या किसी किसी दिन होता है, क्या रोल्स भी होते हैं क्योंकि, हाँ बिल्कुल वही कहते हो, कोई कोई दिन बहुत हैवी हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बिकॉज वो आपके साथ है वो काम, ऐसा नहीं है कि आप शूट खत्म हुआ पैकअप हुआ तो आप स्विच ऑफ हो गए, कुछ ना कुछ आपके साथ, आप भी आप ऑफिस से घर जाते होंगे तो कोई ना कोई एक आध बात ऑफिस की चिपक जाती है। ऐसा कोई रोल है जो दिल के बहुत करीब हो और जो आज भी जहन में, जिसको आप याद करते हो या जिसमें बिल्कुल बिल्कुल? राजी और पाताल लोक दो ऐसे किरदार रहे जो जो थोड़े से जब खत्म हुआ तो आपको लगता कि हाँ फाइनली ये खत्म हुआ, अब कुछ और होगा, वो है ऐसे, क्योंकि वो थे थोड़े से स्पेशली राजी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो वर्ल्ड ऐसा है कि जो बहुत जनरली बहुत डरावना है स्पाई वर्ल्ड, वो बाहर से देखने में बड़ा हो सकता है ग्लैमराइज लगता हो हमारी फिल्मों में, बट वो जेनुअनली बहुत स्केरी है, और पाताल लोक तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कैरेक्टर, सब कुछ हर फ्रंट पे हारा हुआ आदमी, एंड ही कम्स आउट एज अ विनर बट नोबडी नोज द विनर, दैट्स हाउ इट इज। सो या क्या शब्द है जेंजी के, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हाउ बोरिंग इफ़ यू आर जस्ट वन पर्सन, है ना, तो सबके एस्पेक्ट्स लेना। आई फील लाइक बहुत बार जो किरदार मैंने प्ले किए हैं उनमें से कुछ ना कुछ मुझ में रहा है और मुझमें मेरी कुछ चीज़ें उस कैरेक्टर्स में हैं, और आपने जो अटैचमेंट की बात कही, एक एक्टर के लिए बहुत डेंजरस है अगर वो अपने पार्ट से या किसी प्रोजेक्ट से अटैच हों, बिकॉज इट्स हार्ड, बहुत अनप्रडिक्टेबल है हमारी इंडस्ट्री, बट यू नो वर्कआउट के बाद एक स्वीट पेन होता है, एक सोरनेस होता है, सो आफ्टर अ प्रोजेक्ट इज ओवर, हाँ आफ्टर अ प्रोजेक्ट इज ओवर फॉर फ्यू डेज वो एक स्वीट मिसिंग स्वीट पेन, नहीं कहूँगी वो किरदार मेरे दोस्त की तरह मुझे यू नो वो किरदार लगता है, यू नो एक बच्चे की तरह आपके साथ इतने यू नो टाइम से रहा है, सो दीज डिफरेंट एलिमेंट्स आई रियली इन्जॉय। पर अभी भी मैं कहूँगी बहुत सारे जॉनर्स हैं, मुझे एक अच्छी लव स्टोरी करनी है, डार्क कॉमेडी करनी है, एंड यू नो आई मीन होपफुली आई गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। के सवाल से मुझे वो गालिब जी का रोल याद आ गया, जो आपका गालिब का रोल करना एक थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो कुछ एक हमारे दर्शकों के लिए, अरे आप एक दिन से तो जो आपको जो आए आपके, चाहे वो इश्क से जुड़ा हो चाहे रश्क से जुड़ा हो, पूरा मैदान खाली है। क्या हम शायरी, हाँ कुछ याद आ रहा है तो आप भी सुना। शायरी ने एक बहुत सुंदर थॉट है, मेरे पापा शायर भी हैं, एक थॉट ये उनका नहीं बट उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप किसी सहरा में हैं, सहरा डेजर्ट, अगर आप किसी सहरा में हैं और आपने शराब देखा मिराज, अगर आप किसी सहरा में हैं और आपने शराब देखा और धोखा नहीं खाया तो मेहरबानी करके अपनी अक्ल को दाद मत दीजिए, बल्कि कबूल कीजिए कि आप में उतनी प्यास नहीं थी, क्योंकि अगर आप प्यासे होते तो जरूर। और जब आपने अपने पापा का यहाँ पर जिक्र किया तो एक वो बात भी बताई दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो कौन सी बात है कि आप कभी भी उससे मतलब इनका उसको हमेशा अपने जहन में रखती हैं, हमेशा उस बात को मानती हैं, पापा ने जो आपको कहा है और आपने गांठ बांध ली है। कहते हैं ना पेरेंट्स कुछ ना कुछ ऐसी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं बट दो स्पेसिफिकली चीज़ें हैं कि द बेस्ट वे टू बी डिफरेंट इज टू बी योरसेल्फ,
डोंट ट्राई टू बी लाइक एनीबडी एल्स, यू नो, दूसरे की थाली में मत देखो कि क्या नहीं है. और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये करियर के बिगनिंग से ही उन्होंने मुझे कहा था. एंड लास्ट थिंग इज विच आई ऑलवेज अप्लाई, कि सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बनना है, एक सक्सेसफुल हैप्पी एक्टर बनना है, खुश इंसान. ये यू नो, खुद की सेल्फ वर्थ अपने काम पे अटैच ना करना, ये डिफ़िकल्ट होता है बट ज़रूरी होता है, बिकॉज नहीं तो आप क्रम्बल हो जाएंगे. बहुत हम मेहनत करते हैं, वो चीज़ नहीं चलती, फिर आपको लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. आई मीन हिज एक्सपीरियंस हैज़ बिन सो मच, एंड आई रियलाइज कि किसी भी एक्टर की ट्रेजेक्टरी 0 to 100 नहीं, 0 to 50, फिर वापस 20, फिर वापस 1000. सो यू हैव टू बी मेंटली टफ. और आप ये क्यों कर रहे हैं ये आपको भूलना नहीं है, और ख़ुद को खोना नहीं है उसमें. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, और बहुत सारे विशेष भी आपको हमारी तरफ से आपकी सीरीज के लिए. और आपकी ब्रोकन न्यूज़ जरूर देखिए आप भी. बिल्कुल, हम भी देखेंगे. बहुत शुक्रिया जुड़े रिपब्लिक के पॉडकास्ट. थैंक यू.